हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू योर आरपीएटी यूट्यूब एकेडमिक चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ दीक्षा। आई एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर आरपीआईआईटी कैंपस पस्ताड़ा करनाल। टुडे आई हैव डिस्कस माय प्रीवियस टॉपिक हाइड्रोसेफलस। सो इन दी सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिंग, जिसमें क्या कहता है, हेमरेज हो जाती है और जो फ्लूड है वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाता आर्कनॉइड विलाई में। तो सेकंड है नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट विद द आर्कनॉइड विलाई ड्यू टू द सम ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉर्मल पाथवे ऑफ सीएसएफ फ्लो। कंसिक्वेंटली सीएसएफ इज प्रोडक्शन इज द वेंट्रिकुलर सिस्टम बट कैन नॉट फ्लो द आर्कनॉइड विलाई टू द रीऑब्जर्व। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है हमारा, ये कैसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, जो फ्लो है, जो करता है सबसे पहले थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में जाता था, वो क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में, जिसके कारण क्या हो जाएगी, सम ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो नॉर्मल पाथवे सीएसएफ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से वो आगे एंटर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सीएसएफ इज प्रोडक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टम बट कैन नॉट, देखो प्रोडक्शन तो हो रही है बट कैन नॉट बी फ्लो टू द आर्कनॉइड विलाई तक नहीं जा पाएगी, और जब जा ही नहीं पाएगी तो वहाँ पर रीऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। आगे क्या होगा, सच ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर व्हेन पाथवे, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, आर ब्लॉक्ड बाय ए ट्यूमर, कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन, सिस्ट, इन्फ्लामेशन फ्रॉम इन्फेक्शन और एनी अदर कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद द पोटेंसी ऑफ दीज पाथवे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर। ठीक है, आगे जाते हैं इटोलोसी ऑफ हाइड्रोसेफलस। टाइप भी पढ़ लिया हमने, तो इटोलोसी में जाता है कंजेनेटल आ जाता है, और दूसरा हमारा क्या है, क्वाइट। ठीक है, कंजेनेटल में क्या है, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। देखो मदर के वूम में बच्चा तो क्या है, इन्फेक्शन हो गया, कौन कौन सा, मेनली रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोस वायरस के कारण। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा कंटेंट, या फिर कंजेनेटल ब्रेन ट्यूमर है उसके कारण हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज है उसके कारण, कंजेनेटल इन्फॉर्मेशन है उसके कारण, या माल फॉर्मेशन ऑफ द आर्कनॉइड विलाई। आगे है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में क्या है, इन्फ्लामेशन होगी उसके कारण हो गया, ट्रॉमा हो गया हमारे हेड में, ठीक है, उसके कारण हो गया, न्योप्लाज्म, न्योप्लाज्म मीन्स कैंसर, सम लाइक लीजन्स, ट्यूबरक्लोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, अब्सेस फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिलियोमास हो गया, एडिनोमायोमा हो गया, एस्ट्रोकाइमो साइटोमा हो गया, कोहराइड प्लक्सिस पेपिलोमा हो गया, सीडोमोटर सेरेब्रल, ठीक है, केमिकल में हाइपरविटामिनोसिस ए। ठीक है, आगे और भी बताऊँ आपको तो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हर्लर सिंड्रोम, ठीक है, आर्कनॉइड प्लेसिया, डिजेनरेटिव एट्रोपी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आगे जाते हैं आर्टीरियर वेनस मालफॉर्मेशन, रप्चर्ड एनरिज्म, ठीक है, आगे कैवियरनेस साइनस एंड थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, इन सारे रीजन की वजह से हो सकता है। आगे जाता है क्लिनिकल फीचर्स, देख लो पिक्चर्स में आपका कितना बड़ा हेड हो गया बच्चे का, तो बहुत ज़्यादा सीएसएफ अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक जगह इकट्ठा हो जाता है फ्लूड, और जिसके कारण देखो हेड का साइज काफ़ी एनलार्जमेंट हो जाती है। आगे क्या क्या आ जाएगा, लार्ज हेड हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट वेन बिल्कुल दिखने लग जाएंगी, ठीक है, हेड की, मेजरमेंट ऑफ द हेड इन द लार्ज पार्ट, हार्ड सर्कम, जो भी हेड सर्कमफ्रेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होगी, बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, सनसेट आइज हो जाएंगी, ठीक है, और रैपिड इंक्रीज द साइज ऑफ हेड, बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, मैकवेन साइन हो जाएगा, तो ये सारी कंडीशन अराइज हो सकती है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरपीआईटी यूट्यूब एकेडमिक चैनल, कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकंड सेशन, थैंक यू।